गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू आर चेकिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को लेके फॉर योर आईसीएसई 2020 रिमेनिंग एग्जामिनेशन। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि अगर आप फॉलो करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, सो डेफिनेटली जितने भी सारे सब्जेक्ट्स बाकी है, 3 to 4 सब्जेक्ट्स आर रिमेनिंग, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, ये सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स, यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो प्लीज फॉलो all this and listen to this video carefully. So let us begin. Well, so guys, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशंस का ये जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन सारे सब्जेक्ट्स में, या फिर 3 सब्जेक्ट्स है या फिर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है, यू विल हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे, यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू स्कोर 90+ इन ऑल दिस 4 or 3 subjects विच आर रिमेनिंग है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स में आप 90+ स्कोर करो। वेल, सो ये फर्स्ट चीज था। उसके बाद जो कि सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था, उसके बाद सडनली डिले हो गया बोर्ड एग्जामिनेशन, और इतना दिन हो गया, इट हैज बीन मोर देन अ मंथ दैट यू आर नॉट इन टच विथ योर बुक्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब प्रिपरेशन करो, तो आप यू विल हैव टू मेंटेन अ रेगुलर स्टडी हैबिट, इट हैज बीन डिस्टर्ब्ड कम्प्लीटली। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल रिलीज हो गया, 2 July से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट है फॉर आईसीएसई क्लास 10 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। बोर्ड एग्जामिनेशन 2 July से है, ज्योग्राफी फर्स्ट एग्जामिनेशन है। सो ऐसा नहीं है कि गैप्स नहीं है, गैप्स भी है, तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। स्टडी पैटर्न इट हैज बीन डिस्टर्ब्ड कम्प्लीटली, सो ट्राई टू मेंटेन अ रेगुलर स्टडी हैबिट। आपको ये 40 days है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 40 days को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अगर आप प्रिपरेशन करते हो, इफ यू गो स्लो ऑल्सो डजेंट मैटर, अगर आप धीरे धीरे भी प्रिपरेशन करते हो, तो सपोज इफ यू आर डूइंग 1 particular chapter इन 1 particular day फ्रॉम 1 particular subject, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर 90+ इफ यू डू इट प्रॉपरली। तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट का अगर आप एक चैप्टर भी एक एक दिन करके करते हो, यू हैव 40 days, यू हैव इनफ टाइम इफ यू डू इट केयरफुली। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज, यू कैन गेट गुड मार्क्स। एंड एट द सेम टाइम ये 40 days का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, क्योंकि 3 subjects है, कितने लोग का 4 subjects है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव इनफ टाइम। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ यू विल हैव टू डू प्रिपरेशन। सो कितने लोग अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में कि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कि प्रिपरेशन है, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का रिविजन कहाँ से स्टार्ट करें। सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन का रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, और ये जितने भी सब्जेक्ट्स है, अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो ओवरऑल 5 chapters थ्योरी से पढ़ना है, आपको पता होगा, और साथ ही साथ 20 marks का टोपोग्राफी आता है, 10 marks का मैप पॉइंटिंग आता है, सो ओवरऑल 80 marks का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको रिविजन 10 years से करना है, 10 years इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन, और 10 years का आपको पता होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, सो इट इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन पर्पज। उसके बाद जो कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी का भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली इट इज आस्क्ड, यू आर नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ द डायग्राम, रादर देयर इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द डायग्राम विच इज गिवन टू यू, यू आर गिवन द डायग्राम एंड बेस्ड ऑन दैट फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यू विल हैव टू आंसर दैट। और ऐसा नहीं है कुछ कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको सारा प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। बायोलॉजी के लिए बेस्ट है 10 years से रेफर करो, 10 years का जितना भी पास्ट 10 years का क्वेश्चन है उसे आप रीड करो, उसका आंसर देखो, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करो, 10 years इज इनफ फॉर बायोलॉजी ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट 10 years से आप अच्छे से रिविजन करो, क्योंकि जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है 10 years से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, कमर्शियल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का थ्योरी पार्ट अच्छे से 10 years से करो, उसके बाद प्रोग्रामिंग्स एंड ऑल यू विल हैव टू डू, कमर्शियल एप्लीकेशंस का भी जो कि थ्योरी पार्ट है 10 years, यू कैन आइदर रेफर टू 10 years और यू कैन फॉलो योर बुक, बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसे फॉलो करो। सो हिंदी का मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स पे वीडियो बना दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद जो कि फोर्थ चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट थिंक दैट यू हैव इनफ टाइम, 40 days डजेंट मीन दैट यू हैव इनफ टाइम एंड यू कैन वेस्ट इट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूटिलाइज दिस 40 days इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सोचोगे कि यू हैव इनफ टाइम, सो सपोज अगर आप प्रिपरेशन आज कर रहे हो एंड यू विल फील लेजी बिकॉज द स्टडी पैटर्न इट हैज बीन डिस्टर्ब कम्प्लीटली, सो डोंट रिलाई ऑन टुमारो, क्योंकि टुमारो करते करते आपका दिन निकलता जाएगा, 40 days है अभी, 40 days है, अगर हम कल की बात करें फिर एक दिन कम हो जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगा, ऐसे कर करके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये 40 days भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए आपको यूटिलाइज करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो 40 days इट डजेंट मीन दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन,
स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम टूडे. यू विल हैव टू प्रिपेयर. कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए? तो फर्स्टली ज्योग्राफी बोर्ड एग्जामिनेशन है, सो यू कैन प्रिपेयर. यू कैन सेट अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. सो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द टाइम टेबल एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर एडमिट कार्ड फॉर योर बोर्ड examinations properly. तो कल ही बोर्ड examinations का टाइम टेबल आया, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था. तो आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपका बोर्ड examinations का जो कि एडमिट कार्ड है वो हरा गया, इट हैज बीन लॉस्ट. सो टेलिंग यू दैट जिन लोगों का एडमिट कार्ड सेफ है उसे अच्छे से रखो. और बोर्ड examinations का एडमिट कार्ड हरा जाता है देन इट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की. इवन इफ यू नो योर यूनिक आईडी एंड इंडेक्स नंबर बट स्टिल यू कैन नॉट लूज इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट सेफली. सो बहुत सारे स्कूल्स है जो कि बोर्ड examinations का जो कि एडमिट कार्ड होता है दे डोंट प्रोवाइड इट टू द स्टूडेंट्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जिन लोगों का एडमिट कार्ड अभी आपके पास है घर में, सो कीप इट सेफली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोर्ड examinations का एडमिट कार्ड सेफ होना चाहिए. सो योर परसेंटेज इज गोइंग टू इंक्रीज इफ यू स्कोर 90 प्लस इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट. सो योर टारगेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम शुड बी टू स्कोर 90 प्लस इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. And do your preparations properly for your board examinations for the remaining subjects. If you have any doubts, you can write to me in the comment section. So friends, this was the video. Thanks for watching this video. And if you like this video, then please do give the thumbs up button and subscribe our channel, Mastermind. Thank you.